ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा पानी होता है यहाँ पर। पहली लोकेशन घूमने के बाद पूरा भीग चुके हैं इस समय हम दोनों और नई लोकेशन पे जा रहे हैं, तो पानी तो कुछ भी नहीं है यार। यार यहाँ तो इतना पानी चलता है कि इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ से बाइक को निकालना और गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। बट ये तो पीस ऑफ केक हो गया हमारे लिए, केक का टुकड़ा। लो जी गाड़ी फंस गई है यार, जाएंगे हेल्प करने? चल लें, गाड़ी फंस गई, हाथ दे रहे थे यार, गाड़ी फंस गई, हाथ दे रहे थे। पीछे से ही मैंने देख लिया था, कुछ लोग इशारा कर रहे थे और गाड़ी वहां देख के मैं समझ गया था कि ये वहां अटक गई होगी, क्योंकि बरसातों में ये रास्ता जो है ये कट जाता है पानी की वजह से, किसी ने गलती से इनको इस रास्ते से भेज दिया होगा। उस समय वीडियो मैंने बंद कर दी थी जानबूझ के और उनकी हेल्प करी, गाड़ी निकलवाई और उसके बाद हम निकल गए अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। अब आपको बताता हूँ, जिस समय जहाँ पर खड़े हैं ना हम, यहाँ से ये भी एक रास्ता होता है, यहाँ से नॉर्मली जब बारिशें नहीं होती तो यहाँ से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं। अब बाकी वो उधर वाला रास्ता है, उसी से आना होता है। एक यहाँ पे गाड़ी थी i10 फंसी हुई थी, वहाँ से हमने हाथ देख लिया आ गए। आज बाकी यार मौसम बहुत बढ़िया है, पहले उस जगह हो क्या है हम, मौसम वहीं बढ़िया हो गया था, अभी पूरे बारिश में भीग चुके हैं दोनों के दोनों, लेकिन चल नहीं रहा है। 11 ही बजे हैं तो हम भी कह रहे चलो मौज मस्ती से चलते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो गाड़ी निकल गई है, हम भी निकल गए हैं, अब सीधा यहाँ से ऋषिकेश, और ऋषिकेश में जाना है हमें आगे थोड़ा घूमने। तो जी टाइम हो गया है 11:15, घड़ी के अंदर भी जा चुका है पानी और मस्त एकदम दोनों भीगे पड़े हैं इस समय। पहले गए थे श्री सिद्ध स्रोत गए थे, वहाँ पे बहुत सारा घूमे, अब इस समय चिला वाली रोड पे हैं और आगे एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं। लोकेशन अभी कंफर्म नहीं है, पहले की तरह पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी गुफा है, वशिष्ठ गुफा है कोई शिवपुरी वाली रोड पर, और उसके बारे में मैंने कहीं से किसी का व्लॉग देखा था, कहीं सुना था, तो वहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी इस रोड पे ना रुका मैं इसलिए क्योंकि सामने की तरफ जो नज़ारे हो रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक शॉट इसका भी लिया जाए। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये सामने के जो नज़ारे हैं इस समय। Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. सामने क्योंकि बारिश हुई है थोड़ी देर पहले और अब जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से धूप निकलने वाली है, लेकिन हम ऋषिकेश जाएंगे, ऋषिकेश से आगे फिर जाएंगे हम शिवपुरी साइड में और वहाँ पे कोई है जगह, जगह टाइटल में मालूम पड़ जाएगी आपको, पर मुझे अभी उसका नाम मालूम नहीं है। कितनी दूर है पता नहीं है पता। और कितनी देर में पैदल चलना पड़ेगा ये भी नहीं पता, अभी कैसा है ये नहीं पता, रोड कहाँ से लेना है, रोड तो ये पूरा ही बढ़िया है। अभी आपको बताता हूँ ये बद्रीनाथ केदारनाथ वाला ऑल वेदर रोड, अबे ये क्या है, अरे पेड़ पे से गिरा है अबे यार तो पत्ता पे सारा पानी ऊपर से नीचे गिर गया। तो बद्रीनाथ केदारनाथ वाला जो मेन रोड है इसी रोड पे शिवपुरी के आसपास है कहीं पे वशिष्ठ गुफा, वहीं पे जा रहे हैं। आज की हमारी दूसरी लोकेशन है
संडे है, दो तीन जगह घूम लेंगे और दो तीन ब्लॉग डाल देंगे। चलो भाई साहब बाइक उठाओ, अब सीधा मिलते हैं वहीं पर। आश्रम पे एक और जगह जा रहे हैं घूमने, देखते हैं कैसी होती है। आओ भाई, आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कुछ रास्ता सा है और गंगा जी चल रही है वहाँ नीचे और यहाँ से हम जा रहे हैं। ऐसी अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन पे आज हम आए हैं जिसका नाम है वशिष्ठ गुफा। इसकी खासियत वहीं जाके मालूम पड़ेगी। कितना किलोमीटर था? शिवपुरी से 6 या 7 किलोमीटर था। मतलब अगर ऋषिकेश से आओगे तो ऋषिकेश से शिवपुरी लगभग 25 किलोमीटर है और वहाँ से 7 किलोमीटर हो। ये रास्ता जा रहा है नीचे, चलो आगे बढ़ते हैं। हम गलत आ गए यार, ओहो वो रास्ता था यार ऊपर से। चला यहाँ से टॉप जाते हैं, आना उधर से था, गलत जगह से आ गए, लेकिन गेट खुला हुआ मिल गया। आ जाओ भैया, आ जाओ। ये था वैसे पीछे से रास्ता और ये जा रहा है अब आगे रास्ता। सामने, अच्छा वहाँ सामने है वशिष्ठ गुफा। यहाँ पे लिखा हुआ है वशिष्ठ गुफा के बारे में, जो वन ऑफ द सप्तऋषि के लिए गुहा मीन्स केव अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी। वशिष्ठ इज वन ऑफ द सप्तऋषिज, ही अलोंग विथ हिज वाइफ अरुंधति डिड पेनेंस हियर फॉर सेवरल इयर्स ड्यू टू द तपस्या ऑफ मेनी ग्रेट बींग लाइक देम मोस्ट पीपल फील अ सेंस ऑफ प्रोफाउंड पीस। तो बहुत से ऋषियों ने यहाँ तपस्या की है, उनमें से एक का नाम है गुरु वशिष्ठ। सो गाइस ये है गेट और इसके पीछे है वो गुफा। गुफा में इतना अंधेरा है कि सभी फ्लैशेस मोबाइल के ऑन करके भी वीडियो बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा था। हालांकि अंदर जाके मैंने बाहर की तरफ का वीडियो बनाया था जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि गुफा में मैं कितनी अंदर तक आया था। आपको वहां से मिलेंगे, कहना तो यहाँ से होगा लगभग 70-75 के आसपास, बट द रोड इज गुड। तो ये वशिष्ठ गुफा के बाहर बैठे हैं हम। अरुंधति गए, अच्छा अरुंधति जो वाइफ थी वशिष्ठ गुरु की, उनकी और उन मतलब उन दोनों ने साथ में तपस्या की थी ना। वहाँ लिखा था गुरु वशिष्ठ जो सप्तऋषि में से एक ऋषि रहे हैं, उन्होंने अपनी वाइफ अरुंधति के साथ यहाँ पर तप किया। तो यहाँ पर आके लोगों को अच्छा फील होता है। दूसरी गुफा कहें देखते हैं, बाकी पीछे गंगा जी शांत है आज काफ़ी। अच्छा यहाँ पर ऊपर की साइड है, नीचे गंगा जी किस तरफ उतर के आए हम। तो Blacking out, fresh fading day by day, I'm reaching out for someone who can take away the pain of you.
हिमांशु, मैंने सोचा था कि वीडियो जो है ना, मैं एक के बाद एक कड़ी में बनाऊं। मतलब पहले जैसे मैं आ गया गंगा की जहाँ से, वो तूने बोला वीडियो देखा मेरा, जिसमें मैंने वो बताया था कि यहाँ से गंगा की धारा जो है बिना किसी रुकावट के एक ही जगह से अंदर आ रही है हर की पौड़ी में। उसके बाद अगला वीडियो मेरे को वहीं पे पता लगा, एक ने बता दिया पंडित जी ने कि पीछे ही जो सप्तऋषि है उसका, मतलब बहुत पहले पता था लेकिन इतना कभी गए नहीं। तो उसी में मैंने कहा चलो अगला वीडियो उसका बनाते हैं। फिर उसके बाद भाई तीसरा मैं यहाँ पे आ गया, तीसरे में भी गुरु वशिष्ठ वाली बात आ गई। वो सामने एक ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज टाइप का है, बहुत फोटोशूट वगैरह वहाँ पर होते हैं। और ये अपने पीछे गंगा जी जो अक्सर काफ़ी रौद्र रूप ले लेती हैं जब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। चलो जी करते थोड़ा फोटोशूट यहाँ पर भी। लो जी यहाँ का भी फोटोशूट हो गया, वशिष्ठ गुफा भी देख ली, पीछे अरुंधति गुफा भी देख ली, छोटी मोटी बहुत सारी गुफाएं और भी हैं वहाँ पे छोटी छोटी। वहाँ पर ये छिपकली प्रजाति के कुछ छिपकली प्रजाति का ही कुछ है वो, बड़ी छिपकली, बड़ी से थोड़ी छोटी छिपकली, छिपकली से थोड़ी बड़ी। अब चढ़ाई से निकल रही है जान, ये नीचे से सामने की तरफ है गुफा और ये रास्ता है जो एकदम से स्टीप है। नीचे आते हुए तो सही लगता है, ऊपर जाते हुए आपको ऐसे और फिर उसके बाद वैसे जाना पड़ेगा। पहुंचते हैं ऊपर, हो गया वंशु यहाँ तक पहुंचते हालत ख़राब हो गई, ज़्यादा नहीं है लेकिन हम काफ़ी दिन के बाद चल रहे हैं ना, ज़्यादा नीचे नहीं है वैसे, थोड़ी ही नीचे है। तो ये है मेन रोड और ऋषिकेश की तरफ से ये रोड यहाँ पर आता है और ये पीछे गुफा पे जाने का रास्ता नीचे, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा थक जाओगे जब ऊपर आओगे वापस तब। चलो यहाँ से निकलते हैं अब और आगे का क्या करना है वो सोचते हैं। तो भाई सुबह 7:30 बजे के हम निकले थे, बारिश में भीगे भी थे। एक जगह पे हमने ब्रेकफास्ट किया था, सिद्ध स्रोत वाली वीडियो में आपने देखा होगा, वहीं आश्रम में हमें प्रसाद मिल गया था। और उसके बाद सीधा 2:30 बजे हम सारा घूमने के बाद यहाँ शिवपुरी में आके हमने लंच किया था। एनीवेज गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।